नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए सफलता की ओर अग्रसर है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो कुछ देर रुक जाइएगा, सुन लीजिएगा हमारी बात, उसके बाद फिर आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम क्यों पढ़ें? नहीं पढ़ना चाहते आप? नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए। क्यों पढ़ेंगे आप अपने लिए मत पढ़िए। आपकी माँ आपको जब छोटे थे आप तो आपको पाल रही थी तो वो क्या सोचती थी अपने मन में? अपने मन में सोचती थी कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा नौकरी करेगा तो मैं भी आराम से बैठ के खाऊंगी। आप अपनी माँ की बात छोड़िए, आपके पिताजी जब आपको साइकिल पर बैठा कर स्कूल लेकर जाते थे तो वो क्या सोचते थे कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और मैं अपने बेटे के साथ जो है कार में बैठ कर जाऊंगा जहां जाना। आप अपने पिता की बात भी मत मानिए। एक लड़की जो है अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ आएगी कि चलो मैं अपने पति के पास जा रही हूं और वो जो है हमको जो खुशी हमारे माँ बाप नहीं दे पाए वो खुशी मैं उससे ले लूंगी या वो मुझे वो खुशी दे देगा। लेकिन आप जो अभी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप से प्रश्न करिए कि आपने क्या किया उन लोगों के लिए? एक माँ जो आपको इतने दिन से पाली बड़ा की, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप उसको धोखा दे रहे हैं, आप अपने पिता को धोखा दे रहे हैं जिसने आपको जो है साइकिल पर बैठा कर खुद कष्ट सहा, खुद जो है मजदूरी करके पैसा कमा कर आपको देता है कि मेरा बेटा जो है पढ़े लिखे बड़ा बने। लेकिन आप केवल ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। आपके टाइम पास करने से क्या आपको खुशी मिलेगी? हाँ मैं मानता हूं कि कुछ दिन मिलेगी, एक दिन मिलेगी, दो दिन मिलेगी, 10 साल मिलेगी, 4 साल मिलेगी, लेकिन क्या आप जीवन भर खुशी रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप चल नहीं सकते, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन रुकिए नहीं, रुकिए मत। लॉकडाउन भले लगा हुआ है लेकिन अगर आप ये सोचे कि अरे अभी तो एग्जाम होना नहीं है, जब एग्जाम होगा तो पढ़ूंगा, क्या पढ़ोगे आप? जब तक एग्जाम आने वाला रहेगा तब तक तो आप सब कुछ भूल गए रहेंगे। जब आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा तो आप पढ़ेंगे क्या? पढ़ने का मन नहीं करता तो मत पढ़िए। लेकिन एक बार जरा सोचिए, एक बार अपने मन में सोचिए कि हम क्या अपने लिए जो है सही कर रहे हैं, तो आपको खुद जो है अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, आप अपने लिए क्या, आप किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। खाना, सोना, मोबाइल चलाना, टीवी देखना, ये सब तो पहले भी होता था, अब भी हो रहा, लेकिन क्या ये चीज करके आप सिलेक्शन पा लोगे? नहीं पाओगे। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, बहुत से लोग हैं जो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। अगर आप 12 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 6 घंटे पढ़िए, 6 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 5 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ये जो लॉकडाउन चल रहा है ये आपके अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए चल रहा है कि आप उठो, जागो, पढ़ना सीखो कि खुद से कैसे पढ़ें। तो जब आप खुद से पढ़ना सीख जाओगे तो जॉब तुमको जरूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। आप ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर जो है हमारे नेता की, हमारे इंस्पिरेशन की है, जिन्होंने हम, जिनको देखकर हम आगे बढ़ना सीख सकते हैं। कलाम साहब जो है, सोचिए कि सड़क के किनारे जो लाइट लगी रहती थी उस लाइट से पढ़कर जो है ये आज कहां पहुंचे हैं आप सब लोग जानते हैं, छोटा छोटा बच्चा भी इनको जानता है। अरविमा सिन्हा को आप देख रहे होंगे, इन्होंने अपने साहस से, बताइए कि एक पैर ना होते हुए भी ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी।
सकते? जब ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? कनिष्क कटारिया को आप देख रहे होंगे, ये जो है आईएएस में जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आईएएस में ये पहली रैंक लेकर आए। क्या ये सब इंसान नहीं है? ये भी इंसान है, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, और आप कर सकते हैं और करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 20 घंटे पढ़िए, 25 घंटे पढ़िए, आईएएस क्वालिफाई कीजिए, लेकिन अपने अंदर लगन रखिए, जुनून रखिए, जज्बा रखिए कि नहीं, मैं कुछ करूंगा, कुछ करके अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं और बिल्कुल करेंगे आप। केवल हांकने से कुछ नहीं होता कि आप चार लोग के बीच बैठ गए, चार दोस्त आपके आ गए, उन्हीं में आप खुश हैं, तो कब तक आपकी ये खुशी कब तक रहेगी? दो चार साल, पांच साल, बस उसके बाद आप क्या करेंगे? आप खुद से सवाल करेंगे कि अगर मैं उस समय पढ़ लिया होता तो आज मैं ये ना होता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। तस्वीर देख रहे होंगे, पत्थर तोड़ रहा है ये इंसान, दशरथ मांझी नाम है इनका। बताइए कि पत्थर यानी कि पर्वत को तोड़कर इन्होंने रास्ता बना दिया, पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिया, रुके नहीं। अगर रुक गए होते तो क्या ये मुमकिन था आज इनको कोई जान पाता? कोई न जान पाता। तो इसलिए आप रुकिए मत, चलते रहिए। और परीक्षा की बात नहीं है, परीक्षा जब भी होगी अपनी तैयारी पक्की रखिए कि जब मैं बैठूंगा तो मुहर लगा दूंगा कि नौकरी मुझे मिलेगी ही मिलेगी। और ये कब होगा? जब आप लगातार मेहनत करेंगे। मैंने कहा कि आप किसी को भी मत देखिए, जिसको आप मानते हो आप केवल उसके विषय में सोचिए। आप अपनी माँ को मानते हो, आप अपने पिता को मानते हो, या कोई थर्ड पर्सन जिसको आप मानते हो, आप उसके बारे में सोचिए कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। 10 रुपए का फूल दे करके कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है कि आप किसी को 10 रुपए का फूल दे दिए, वो खुश हो गया और आप भी खुश हो गए, गजब। तो ऐसा नहीं होता। वो 10 रुपए का फूल आप कब तक देते रहेंगे? क्या 10 रुपए के फूल में ही खुशी है सारी? अगर आप कुछ बन जाएंगे, जॉब पा जाएंगे, तो आप उसको जीवन भर खुश रख सकते हैं। तो आप अपने लिए मत पढ़िए, आप अपनी मां के लिए पढ़िए, जिसने आपको शुरू से लेकर के आज तक आपको, वो खुद नहीं खाती थी लेकिन आपको खिलाती थी, खुद नहीं सोती थी लेकिन आपको सुलाती थी, ये सोचकर सुलाती थी कि एक दिन मेरा बच्चा सफल हो जाएगा तो मुझे प्यार से सुलाएगा, मुझे वो सारी खुशी देगा जो मैं उस बेटे के लिए कष्ट सह रही हूं, जितना कष्ट सह रही हूं। कम से कम जितना कष्ट आपकी मां ने आपके लिए सहा है, उतना तो प्यार उसको दे दीजिए, उतनी तो खुशी आप उसको दीजिए। आपको तो यह लग रहा होगा कि मैं डायलॉग मार रहा हूं, हांक रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे इस वीडियो को देखने से अगर एक भी बच्चा जो है लगन में अपनी मेहनत से जुट जाता है तो मैं ये मानूंगा कि हां मेरा ये वीडियो सफल रहा। तो इसलिए आज से ही आप, अभी तक आप नहीं पढ़ते थे कोई बात नहीं, लेकिन आज से आप लग जाइए, क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी आपके पास 2-2.5 महीने पूरे बचे हुए, और 2-2.5 महीने में आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं कि कोई भी परीक्षा हो आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। तो आज से आप जुटिए, आज से आप लगिए, और आज से आप परिश्रम करना शुरू कीजिए। कहीं भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं हमको, मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा। किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट में समस्या हो रही हो, तो अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई, अपने मित्र, अपने यार को जरूर याद कीजिएगा और मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, याद रखिएगा। तो आज मैं यहीं पर रोकूंगा, और वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर जोश और ताकत और उम्मीद भर देगा। और अगर जो है आपको ऐसा लगे कि हाँ ये वीडियो आपको कामगर लगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, और पुरानी क्लासेस जरूर देखते रहें। आपको
कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा कि जिसमें समस्या हो, अगर समस्या हो जाएगी तो एक बार कमेंट करना, आपका ये छोटा भाई, आपका ये बड़ा भाई, आपका मित्र आपके साथ है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।